फ्रेंड्स, क्लीन साइंस की ओर से चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आज बाजार नेगेटिव हो गया था मगर क्लीन साइंस का शेयर उल्टा अपने जो इंट्राडे हाई है वहां पर क्लोज होने में कामयाब रहा। तो इसका एक ही रीज़न था फ्रेंड्स कि आज सुबह सुबह ही एक केमिकल प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने से रिलेटेड न्यूज़ आई थी जहाँ पर गवर्नमेंट्स की ओर से 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और ये स्पेशली फ्रेंड्स क्लीन साइंस को बहुत ही बड़ा बेनिफिट देने वाले, क्योंकि क्लीन साइंस ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो ओवरऑल इसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से आज हमको इस शेयर में तेजी देखने को मिली। और दूसरा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में यहाँ पर हमको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी ये सर 90 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करें, क्योंकि आप देखो इसके यूनिकनेस, इसके जो मार्जिन है वैसे मार्जिन अभी हमें केमिकल्स कंपनियों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे। और दूसरा कि अगले आने वाले 4-5 साल तक ये कंपनी बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करने वाले, तो इसी वजह से फ्रेंड्स ऐसे खराब माहौल में भी ये 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एक टाइम पर यह शेयर 2700 रुपये तक चला गया था, तो वापस वो भाव हमको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे जब क्लीन साइंस के अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल फिलहाल अभी की बात करें तो 28 मई को क्लीन साइंस अपने चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट पेश करेगा और वहाँ पर अगर कोई डिविडेंड से रिलेटेड फैसला लिया जाता है तो उसका भी अनाउंसमेंट होगा।